जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता दूसरों के लिए भी न करे। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अशांत को सुख कैसे मिल सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ भी उसे वैसा व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। आशा ही दुख की जननी है और निराशा ही परम सुख शांति देने वाली है। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं।